अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और ये दम बिरयानी है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो मटन, जिसको हमने अच्छे से धो कर रख लिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है और साथ ही 1 चम्मच रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्ची का पाउडर और 2 चम्मच होममेड बिरयानी मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर दिया है, अब इसको अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर देते हैं। और तो मैरिनेट करके हमने रख दिया है और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ साबुत मसाले, जिसमें शाही जीरा, नॉर्मल जीरा, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्ची वगैरह है। और यहाँ पे हमने चावलों को बॉयल होने रख दिया है। ये डबल चावी राइस हैं तो इन्हें हम 90% कुक कर लेंगे। तो नमक भी हमने चावल में ऐड किया है तो यहाँ पे 90% चावल कुक्ड हो चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से हमें चावल को नहीं पकाना है और हमने चावल का सारा पानी निकाल दिया है। अब मैंने एक कुकर में लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, उसमें मैं डाल रही हूँ शाही जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, लौंग और यहाँ बड़ी इलायची, छोटी इलायची भी डालना है, मैं इसमें डालना भूल गई हूँ तो आप लोग डाल दीजिए। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं, अगर प्याज छोटी हैं तो आप 3 ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज की प्याज डाले हैं और कट करके मैंने इसको मैं डाल दिया है। तो प्याज को हल्का गोल्डन होने तक हम भून लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और ये 1 छोटी प्याज का पेस्ट मैंने बनाया था, पिसी हुई प्याज का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से हम इसको भून लेंगे ताकि प्याज का जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद जो मैरिनेट करके हमने रखा था मटन वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें सभी मसाले हम ऑलरेडी डाल चुके थे, दही हमने इसमें ऐड नहीं किया था, इसमें हमें दही नहीं डालना है। तो हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। 1 कप यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं तो बस 1 कप पानी हम इसमें डाल देंगे क्योंकि मटन भी अपना पानी छोड़ेगा। और यहाँ पे 2 हरी मिर्ची मैंने कट करके डाल दी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग हरी मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 इसमें सीटी लगा तो बस गोश्त अच्छे से गल जाए, उतना में पानी इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, प्रेशर अपने आप ठंडा हो चुका है कुकर का, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं मटन अच्छे से गल गया है। इसमें जो भी ऑयल है हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब मैंने ऑयल हमने निकाल लिया था और हमने मटन को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो हमने इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद मैंने और यहाँ पे जो हमने चावल को बॉईल करके रखा था वो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लेयर नहीं लगाया है, डायरेक्ट हमने नीचे मटन डाल दिया है, उसके ऊपर हमने राइस डाल दिए हैं सारे। और यहाँ पे जो हमने ऑयल निकाला था वो ऑयल हमने इसमें ऊपर से डाल दिया है और यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इसमें हमने ऑरेंज फूड कलर भी डाल दिया है। और 2 चम्मच हमने इसमें केवड़ा वाटर डाल दिया है, इसमें फ्राइड अनियन वगैरह नहीं डलता है इस वाली बिरयानी में। और इसको 15 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर रख देंगे दम के लिए। तो 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। यहाँ पे देख सकते हैं चावल हमारा कितना खिला खिला बनकर रेडी हुआ है, तो यहाँ पे बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मटन बिरयानी बनकर रेडी है, ये दम बिरयानी है। तो ये बहुत ही डिलीशियस लगती है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।